आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है विंड। इसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने, और ये जो भाई साहब है ना, तमिल में इन्होंने एक से बढ़कर एक पोएम्स लिखी हैं, बहुत बहुत पॉपुलर हैं। कवि होने के साथ साथ इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस एरा में ना लोगों को जगाने का भी काम किया कि आओ भाइयों, हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना है। ये एक फेमस जर्नलिस्ट भी थे, और कई बार तमिल लिटरेचर में ना इनको महाकवि भारती भी कहा जाता है। अब भैया ऐसा है, ये पोएम लिखी गई थी तमिल में, पर ये जो मिस्टर ए के रामानुजन है ना, इनको सिवाय ट्रांसलेट करने के और कोई काम ही नहीं है। इन्होंने इस पोएम को भी तमिल से उठा के अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और तुम्हारे सिलेबस की एक पोएम और बढ़ गई। और अच्छा एक बात और, इस पोएम में ना एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। सुन के बहुत डर मत जाना कि लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके कारण पोएम और ब्यूटीफुल बन जाती है। तो इस पोएम में जो डिवाइस यूज हुआ है उसको कहते हैं एनाफोरा। इसका मतलब इस पोएम की कुछ लाइंस सेम वर्ड्स या सेम फ्रेजेस से स्टार्ट हुई हैं। जैसे अगर तुम फर्स्ट स्टैंजा को देखोगे ना, तो उसमें हर लाइन डोंट से शुरू हुई है। तो इस डिवाइस को कहते हैं एनाफोरा। ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत सिंपल और बहुत इजी सी पोएम है। मैं पहले चार लाइन पढ़ती हूँ, फिर समझाती हूँ, फिर अगली चार पढ़ूंगी और आगे की कहानी समझेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ये रही आपके सामने चार पंक्तियाँ। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। तो भाई साहब इन पंक्तियों में कवि महोदय ये कह रहे हैं विंड से, ओ बहन जी थोड़ा धीरे चल लो, देखो तुम वो जो बुक्स रखी शेल्फ में उनको मत गिरा देना, सारे पेपर्स मत इधर उधर बिखेर देना, और विंडोज के शटर्स मत तोड़ देना। देखो फिर से तुमने क्या किया, सारे पेजेस फाड़ दिए, सब कुछ बिखेर दिया, और फिर वही बात, तुम्हारे साथ साथ बारिश भी आ गई। कवि को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने रिक्वेस्ट की है विंड से कि प्लीज यार हिसाब से लगा ले, क्या सब कुछ बिखेर बिखार दिया, ऐसे काम थोड़ी चलता है। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा पे। तो ये रहा सेकंड स्टैंजा आपकी स्क्रीन पर। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। सेकेंड स्टैंजा में जो वीकलिंग्स वर्ड है ना, उसका मतलब है कमजोर। तो ये कवि महोदय कहते हैं कि ये जो विंड है ना, ये बड़ी होशियार है। जब कमजोर लोग, कमजोर घर, कमजोर पेड़, कमजोर दरवाजे, कमजोर खिड़कियों की बात आती है ना, तो ये विंड सब को तोड़ देती है, सब बर्बाद कर देती है, पर मजबूत के आगे इसका जोर नहीं चल पाता। तो भैया ऐसा है कि ये कहते हैं कि जो विंड गॉड है ना, ये मत समझ लेना कि बजरंग बली को याद कर रहे हैं। उनको तभी याद करते हैं जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, ये विंड से तो अपन निपट लेंगे। तो भैया ऐसा है कि कवि कहते हैं कि विंड गॉड वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे, वो करेंगे जो वो चाहते हैं। तो अब चलते हैं इस शो के आखिरी स्टैंजा पे, और ये सवाल है सीधे 5 करोड़ का। ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो भैया ऐसा है कि पोएम की शुरुआत में ना कवि ने सिर्फ परेशानियां बताई कि विंड ऐसा करती है, विंड इसको तोड़ती है, विंड पेपर गिराती है, कमजोर लोगों को तोड़ देती है। अब ऐसा है कि कवि महोदय बड़े समझदार थे, सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं छोड़ा तुमको, सोल्यूशन भी बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम मजबूत दरवाजे बनाएंगे, मजबूत घर बनाएंगे, हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे,
इसका ये मतलब नहीं कि रोज च्यवनप्राश खाएंगे, मतलब कि मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार रहेंगे, तो ये विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वैसे भी दिए की जो छोटी सी आग होती है या कैंडल की वो जो छोटी सी फ्लेम होती है ना, विंड के साथ वो बुझ जाती है, बट जो जंगल की आग होती है ना, विंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, वो तो विंड के साथ और फ्लरिश हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे ढीले पतले मरियल से रहोगे ना, तो विंड जैसी कोई भी मुसीबत आएगी और तुमको कुचल के चली जाएगी। तो थोड़े स्ट्रांग बनो, डोले शोले बनाओ और हर मुसीबत का डट के सामना करो। ये जो पोम के लास्ट में लिखा है ना कि बी फ्रेंड्स विद विंड, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हवा में बैठ के खिड़की में हवा से बतियाओ, उससे दोस्ती करो, पागल समझेंगे लोग। विंड से दोस्ती करने का मतलब है हर मुसीबत का डट के सामना करो, मुसीबत से बिल्कुल मत घबराओ, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये जो पोएम है इसकी समरी मैं तुम्हें चार लाइनों में सुनाती हूँ, वाह वाह जरूर करना और तालियां भी बजाना, आई बात समझ। तो अर्ज किया है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।